तो कैसे आप सब लोग। तो आज की रेसिपी में मैं बनाने वाली हूँ दोस्तों बैंगन का भुजिया। तो आए दोस्तों शुरू करते हैं बनाना। बैंगन के भुजिया बनाने के लिए हमें यहाँ पर यह सामग्री लगेगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है इतना सारा बैंगन लिया है दोस्तों, साथ में मैंने 4 प्याज लिए हैं, 2 हरी मिर्च लिया है। तो इन सबको मैं अच्छे से इसका बैंगन का डंठल आगे का काट करके निकाल दी हूँ और अच्छे से साफ करके ले लिया है प्लेट में। बाकी हरी सब्जी का भिंडी परवल करेला का भुजिया तो बहुत खाए होंगे दोस्तों, लेकिन कभी किसी दिन बैंगन का भुजिया बना के खाइएगा ज़रूर। और अब हम बैंगन का भुजिया बना के ज़रूर खाइएगा दोस्तों और कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं, सबसे पहले बैंगन को कट कर लेते हैं जैसे हम आलू का भुजिया काटते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह। तो यहाँ पर सब्जी को मैंने धो लिया अच्छे से, तो इसको बीच में इस तरह से हम कट लगाएंगे, इसमें कीड़ा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जैसे हम आलू का भुजिया काटते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह हमें पतला पतला बैंगन का ये काटना है, कच्चा बैंगन इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने बैंगन को कट कर लिया है दोस्तों, बिल्कुल आलू के भुजिया की तरह काटे हैं, पतले, ज़्यादा पतला भी नहीं है। और साथ में प्याज भी काट लिए हैं, हरी मिर्च को काटना है। तो चलते हैं बनाना शुरू करते हैं। तो गैस पर यहाँ पर मैंने कढ़ाई बैठा दी थी दोस्तों गर्म होने के लिए। तो कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें तेल डाल देते हैं। यहाँ पर मैं सरसों का तेल में बना रही हूँ दोस्तों, तो यहाँ पर तेल मैंने डाल दिया, तेल को हल्का गर्म होने देते हैं। तो तेल गर्म हो गया है दोस्तों, तो अब यहाँ पर हम डाल देते हैं 1 चम्मच साबुत जीरा। साथ में यहाँ पर मैं ये छोटे चम्मच से 1 चम्मच ली हूँ राय। साथ में यहाँ पर हम प्याज को भी डाल देते हैं, प्याज को मैंने डाल दी है। साथ में हरी मिर्च को भी डाल देते हैं। प्याज को यहाँ पर हम ज़्यादा भूनेंगे नहीं दोस्तों, बस इसको हल्का सब्जी करेंगे। तो प्याज को हमें यहाँ पर इतना ही भूनना है दोस्तों, ये देखिए हल्का प्याज का रंग चेंज हो गया है। अब यहाँ पर हम डाल देते हैं कटा हुआ बैंगन, अच्छे से हमें चलाते हुए भूनना है। यहाँ पर मैं बैंगन को ढक के नहीं पकाऊंगी दोस्तों, क्योंकि बनेंगे तो बैंगन ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, ये भुजिया जैसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा खाने में। प्याज को यहाँ पर हम कम रखेंगे दोस्तों, कम आँच में हम यहाँ पर भूजेंगे अच्छे से। इसको ज़्यादा समय नहीं लेता है ये बैंगन का भुजिया बनने में, 5 से 6 मिनट में हमारा बैंगन का भुजिया बन करके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम मसाले डाल लेते हैं, स्वाद अनुसार नमक को, और नमक को हम अच्छे से चलाते हुए बैंगन में मिला लेते हैं। तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर कैसे बैंगन जैसे जैसे भून रहा है, वैसे जैसे बैंगन का कलर चेंज हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल देते हैं, साथ में यहाँ पर हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। हरी मिर्च का यहाँ पर हमने डाला है दोस्तों, तो यहाँ पर चिली पहले हम भी डालेंगे। बहुत कम मसाला में ये बैंगन का भुजिया बन करके रेडी हो जाता है, बैंगन में ज़्यादा मसाला नहीं खाता दोस्तों, खास करके भुजिया में। तो यहाँ पर हमारा बैंगन का भुजिया बन करके रेडी हो गया दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे भून करके कैसा इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है और ये कुरकुरा बना है सारा दोस्तों। यहाँ पर ये बैंगन का भुजिया बनाई हूँ मैं, तो इसको आप रोटी के साथ खाइए या तो चावल दाल के साथ खाइए, और दोनों के साथ ही बहुत ही अच्छा लगेगा आपको ये बैंगन का भुजिया खाने में। तो यहाँ पर हम अब गैस को देते हैं बंद कर, और इस तरह से हम फैला करके इसको खुला ही छोड़ देंगे, क्योंकि इसको हम यहाँ पर ढक देंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पर हम खुला रखेंगे तो ये और भी अच्छा मतलब कड़क और कुरकुरा हो जाएगा। तो गैस को अब हम बंद कर देते हैं। तो मेरे ये बैंगन का भुजिया बन करके तैयार हो गया दोस्तों। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू दोस्तों।